वेलकम बैक गायज। लास्ट क्लास में तुमको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जस्ट इंट्रोडक्शन कर दी थी। फास्ट जानते हैं फास्ट पढ़ते मेकानिक्स कौन मेकानिक्स तीन टा पार्ट आसूला स्टाटिक्स गोटे आसला स्टाटिक्स काइनेमेटिक्स आसला डायनामिक्स पढ़ले मोशन कौन रेस्ट कौन आसला केते प्रकार मोशन वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आज पर पार्ट आम जा फास्ट पढ़ा आम डिस्टेंस डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट दुटा बेसिक जिन सब आस्ते 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 आम सब मोशन रो जहाँ सब प्रॉपर्टीज सब अच्छी टर्म्स यूज करा सब पढ़ा स्पीड फास्ट आस डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट देन स्पीड देन वेलोसिटी एक्सीलरेशन आस्ते आस्ते आम गोटे गोटे जिन जाणी जावा है। तो फास्ट आज स्टार्ट हम डिस्टेंस डिस्टेंस व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस आम डिस्टेंस क्या कह स्कूल पढ़ चल डिस्टेंस रोड़ी है दूरता है तो आम डिस्टेंस दूरता क्या कह से कहला जिते बड़े बॉडी गोटे जगार आउ गोटे जगह जाऊ टोटाल से जो जर्नी भितर जो जीवा भितर से टोटाल जी लेंथ जी पाथ ट्रावेल करें कह डिस्टेंस है डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटाल लेंथ ट्रावेल बाय द बॉडी ड्यूरींग इट्स कौन जर्नी और टोटाल पाथ ट्रावेल बाय द बॉडी इज नोन एज कौन इट्स डिस्टेंस। तो सी जिते बाट बुलू तो मन कर यू स्टार्ट बुझ कौन जिन एटा ए पॉइंट सेठ एमती बुलिकी पहुँचला बी तो टोटाल जी पाथ सी कभर कला है जी लेंथ पाथ सी कभर कला आम कह डिस्टेंस है डिस्टेंस गोटे स्कालर पॉइंट डिरेक्शन ना तो सब मन था दूरता कौन गोटे वस्तु गोटे जगार आउ गोटे जगह को गला से भितर से जी पथ अतिक्रम कला कौन कह पथ अतिक्रम कला है से पथ को आम कह कौन दूरता बा एमती कह इट इज द पाथ ट्राभेल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन तार मोशन बेले से जी पाथ ट्राभेल कला आम कह कौन से बॉडी डिस्टेंस है ए रु बी एटा को डिस्टेंस कह कौन डिस्टेंस है ए बी ये जो डायग्राम रे डिस्टेंस आम के लिख पारा ए बी दूरता है तो इट इज ए स्कालर क्वांटिटी यार सब कौन कौन इंपोर्टेंट जिनस मन रख फास्ट है इट इज ए स्कालर क्वांटिटी गोटे स्कालर क्वांटिटी यार डिरेक्शन ना बुझीपार्च बोले केवल मैग्नीच्यूड अच्छी यार डिरेक्शन ना तो यहाँ स्कालर जेहेतु इट मे बी पॉजिटिव और जीरो जदि गोटे बॉडीटा कड़े जीवनी डिस्टेंस के जीरो जदि से किसी डिस्टेंस ट्रावेल कला तो डिस्टेंस कौन पॉजिटिव तो इट मे बी पॉजिटिव और जीरो किए डिस्टेंस यार यूनिट कौन आसो पिले यूनिट्स इन एसआई एसआई पड़े आस डिस्टेंस लेंथ लेंथ मैंने डिस्टेंस एसआई कौन आसा मीटर सेमती इन सीजीएस सीजीएस कौन सेंटीमीटर लेंथ कारण यहाँ डायमेंशन पूरा सहज जिनसा किसी कष्ट ना पूरा सहज जिनस डायमेंशन कौन आसा लेंथटा तो खाली कौन आस एम जीरो एल वन टी जीरो खाली लेंथ गोटे रहा आई तो ये है पिले क्या विषय में पढ़ले डिस्टेंस विषय बहुत सहज तुम्हें स्कूल में भी सब जिन पढ़ दूरता तो आम क्या कहले डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द पाथ ट्रावेल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन तार मोशन बेले से जी पथ अतिक्रम कला कह दूरता यहाँ गोटे है स्कालर क्वांटिटी ये पॉजिटिव हो पारे किंबा जीरो हो पारे यार यूनिट है कौन एसआई रे मीटर सीजीएस रे है कौन सेंटीमीटर आ डायमेंशन यार जेतु रे लेंथ डायमेंशन आसला एम जीरो इज इक्वाल टू एजली डायमेंशन आसला एम जीरो एल वन टी जीरो इतनी है पे डिस्टेंस तापर आसो डिस्प्लेसमेंट एका भाया तुमको लगे डिफरेंट अच्छी है डिस्प्लेसमेंट कौन कहला डिस्प्लेसमेंट कहला इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन अफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शन जमीक स्कालर भेक्टर से जिन पढ़े डिस्प्लेसमेंट भेक्टर देख मो भिडे भी अच्छी
डिस्प्लेसमेंट भेक्टर तो पढ़े से जिस जहाँ ये बाहर करें तो से कह डिस्प्लेसमेंट ओडिया कहे विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह जिते गोटे बडी गोटे जगार आउ गए जगह जाऊँ तर स्थान परिवर्तन हो तो तार जो स्थाना परिवर्तन हो गोटे दिगरे एक निर्दिष्ट दिगरे जो परिवर्तन ताकू आमे कहवा कौन तर डिस्प्लेसमेंट है तमें मन कर बडीटा बडी अच्छी ए गला कौटी की बी को तो इनिशियल पोजिशन है ए फाइनल पोजिशन है कौन बी तो सी कहला इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन अफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तमाने जदि मुझे गोटे भेक्टर ड्र कर गोटे लाइन ड्र कर ए है इनिशियल पोजिशन बी है फाइनल पोजिशन ए रु बी को ड्र कली या डायरेक्शन देली कौन ए रु बी को इनिशियल पोजिशन रु फाइनल पोजिशन को तो यहीटा हो गला मोर तुम कौन डिस्प्लेसमेंट बुझिपाल कि यही जो देखु ये टोटाल ए बी एटा है तार डिस्टेंस से जी पाथ गला किंतु एटा एटा है तुम कौन डिस्प्लेसमेंट कहले तर इनिशियल पोजिशन को फाइनल पोजिशन सारे जॉइन कले गोटे स्ट्रेट लाइन में आ डायरेक्शन देले फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन है तो सीटा डिस्प्लेसमेंट बारंबार पे कौन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अच्छी किंतु डिस्टेंस रो डायरेक्शन नहीं तो सी है स्कालर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है गोटे वेक्टर क्वांटिटी है ये लिख डिस्प्लेसमेंट तुम के देख लम लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर ये खाली ए बी लिखा है तुमने यहाँ बुझ डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर लिख लगे तुम ए रु बी जो स्ट्रेट लाइन ताको बुझ ए बी वेक्टर तो जेहेतु पे यार डायरेक्शन अच्छी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी कारण यार मैग्नीट्यूड भी अच्छी आउ यार डायरेक्शन भी अच्छी तुम एमती भी कह पार डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस टा हला के तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टू सान केबे भी डिस्टेंस हे पारिबो नाही हला डिस्प्लेसमेंट हला मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टा को ही हमें डिस्प्लेसमेंट कह पारिबो किंतु पर्टिकुलर डायरेक्शन तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट टा पॉजिटिव हे पारिबो जीरो भी हे पारिबो नेगेटिव भी हे पारिबो तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस रे हला ओरिजिन लुक एक्स को हला फोन इधर नेगेटिव एक्सिस को आसे तर से केस रे हमर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो पारे हला पॉजिटिव जीरो रु पॉजिटिव एक्सिस रे गलो पॉजिटिव आसो पॉजिटिव रु फोन यदि नेगेटिव एक्सिस को आसलो तो से केस रे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आसो कारण एटा वेक्टर टा बुझ पारछो तो आ जदि डिस्प्लेसमेंट हेन त जीरो आ जीव तो ये डिस्टेंस टा जीरो हो पारिबो नले पॉजिटिव हो पारिबो किंतु डिस्प्लेसमेंट टा जीरो भी हो पारिबो पॉजिटिव भी हो पारिबो नेगेटिव भी हो पारिबो तापर यूनिट्स इन एस आई कते सेम एटा भी सही लाइन किंतु ये वेक्टर इज स्कैलरली डिफरेंट तो ये सारे कते आ जियो सही मीटर इन सीजीएस एटा आ जियो कते सेंटीमीटर देन डायमेंशन डायमेंशन आसला कते एम जीरो एल वन टी जीरो एटा आसला डायमेंशन बुझिपार पे कौन तक डिफरेन्स आसला हाँ डिस्टास्टा है टोटाल पाथ ट्राभेल्ड बाय द बडी डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजिशन इन ए पर्टिकुला डिरेक्शन यहाँ है स्कालार यहाँ भिक्टर डिफरेन्स भी पड़े बोले हाँ यहाँ पजिट और जीरो हो पार ये पजिट जीरो और नेगेटिव हो पार तो तुम डिफरेन्स भी आसपार टू मार्क्स है ये आम बेसिक जिनस आम आगे बुझा पी कौन कौन से जिन सब अच्छे गोटे एग्जाम्पल कर बुझ देख गोटे एग्जाम्पल कर बुझे देख टे बुझ मन कर गोटे बडी ए रु गला सी ए रु सी को गला है केमती गला ए रु गला बी को बी रु आसला सी को है ए रु बी को गला बी रु आसला सी एमती जाए किमती आसला है मु तार इनिशियल पोजिशन कौटा
ए तार फाइनाल पोर्सन कौटा सी ए पॉइंट है बी मन कर ए रु बी को गला बी रु सी को गला तार मोशन एक्चुअली पाथ आर मार दौनी आ ए रु बी को गला बी रु सी को आसला हाँ तो यहाँ इनिशियल पोर्सन फाइनाल पोर्सन तो मुझे इनिशियल पोर्सन फाइनाल पोर्सन जॉइन कली भिक्टर मारदेली तेल मो डिस्टेंस पिला देख ये तुम जो डिस्टेंस प्रोब्लेम करेबी यार बुझीपर जगह यार डिस्टेंस तेल के हम ए रु सी को गला कौट देखिए ए रु बी बी रु सी तार डिस्टेंस के तार ए बी प्लस बी सी एति की पाथ से ट्रावेल कर डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट तार के ए सी भेक्टर है इनिशियल पोजिशन सी है फाइनाल पोजिशन तो जो भेक्टर तार इनिशियल पोजिशन फाइनाल पोजिशन को जॉइन कला आ डायरेक्शन देले कौन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टुवर्ड्स फाइनाल पॉइंट सी होगा तार डिस्प्लेसमेंट बुझिपारल डिस्टेंस पाथ ट्रावेल्ड डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजिशन रू फाइनाल पोजिशन को स्ट्रेट लाइन जॉइन कर पर्टिकुलर डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ बेसिक जिनस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तापर पे पढ़ा आम स्पीड आगे आगे जावा से सब जिन विषय में नुआ नुआ जिन विषय सब जाना एवं पढ़ा स्पीड आम देख स्पीड क्या कह तुम स्कूल पढ़ चिन पे डिस्टेंस है ओडिया दूरता डिस्प्लेसमेंट ओडिया विस्थापन स्पीड स्पीड ओडिया है कौन बेग तो व्हाट डू मीन बाय स्पीड स्पीड क्या कह तुम स्कूल पढ़ चो इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस गोटे वस्तु ओडिया पढ़ गोटे वस्तु एक एकक समय जी दूरता अतिक्रम कैसे कहू तार कौन बेग तो से हिसाब से आम स्पीड डेफिनेशन कौन आस इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन अफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है इन पर्टिकुलर टाइम इन एनी एनी डिरेक्शन जेकोसी डिरेक्शन कारण जेहेतु स्पीडटा गोटे स्कालार तर किसी डिरेक्शन आम ना काउंट करवानी तो डिरेक्शन न था जेकोसी डिरेक्शन ले भी तर पोजिशन जहाँ चेंज हम इन ए यूनिट टाइम ताकि कह स्पीड तो आम लिखिपर एमती कह स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन इट्स पोजिशन है तार पोजिशन जितकी रेट रे चेंज हम इन एनी डिरेक्शन कह स्पीड और इट इज द डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम और इन ए यूनिट टाइम गोटे वस्तु एक एकक समय जी दूरता अतिक्रम कला कहगला स्पीड तो आम फॉर्मूला आसीगला देख मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय टाइम टेकन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय टाइम टेकन टोटल केते डिस्टेंस ट्रावेल कला बाय ताको केते टाइम लगला सेटा को हमें कहले कौन स्पीड तो डिस्टेंस पे देख एटा को क्वांटिटी स्कालर टाइम टा को क्वांटिटी स्कालर तो स्कालर तो है स्कालर तो स्पीड टा कोन हो स्कालर क्वांटिटी इट इज ए स्कालर क्वांटिटी हला जदी एटा स्कालर क्वांटिटी ताले इट मे बी पॉजिटिव और जीरो ये पॉजिटिव हो पारे किंबा जीरो भी हो पारे तापर यूनिट्स इन एसआई डिस्टेंस है मीटर टाइम है सेकेंड तो कौन आस मीटर पर सेकेंड और एमती लिख पार मीटर इंटु सेकेंड इनवर्स इन सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर इंटु सेकेंड इनवर्स आसो डायमेंशन इले मास अच्छी की देखो मास नहीं एम जीरो मास नहीं मीटर तब माने लेंथ गोटे अच्छी एल वन सेकेंड तले अच्छी तब माने टी माइनस वन
देख यूनिट डायमेंशन मु पढ़ी यूनिट मेजरमेंट चैप्टर तो डायमेंशन आ यूनिट मु पढ़े देख यहाँ ही आसी थी तो बुझिपार पे तो स्पीड आम क्या कहले इट इज डिफाइंड आज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन इन अ यूनिट टाइम गोटे वस्तु एक एकक समय जी दूरता अतिक्रम कला आम कौन कह तार बेग ये स्कैलर क्वांटिटी कारण डिस्टेंस टा स्कैलर इट मे बी पॉजिटिव और जीरो एटा पॉजिटिव हो पारिबो जीरो हो पारिबो यूनिट एस आई रे हबो कोन मीटर पर सेकेंड सी जी एस रे हबो सेंटीमीटर पर सेकेंड डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस वन है पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एवं से स्कूल पढ़ी थी नी जानी स्पीड वेलोसिटी हो एक्सीलरेशन सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छे कौन से सब विषय में गोटे गोटे पढ़ा देख डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड कौन कौन आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड आसला देखो फास्ट आसीबो यूनिफॉर्म स्पीड हला फास्ट आसला यूनिफॉर्म स्पीड तो आमे यूनिफॉर्म स्पीड कहा कहवा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड सेकला जदि गोटे वस्तु समान समय रे समान दूरता अतिक्रम करूथिबो तले सेही भलिया स्पीड को आमे कहवा यूनिफॉर्म स्पीड और it is defined as or speed is said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time jodi gote vastu saman samay re saman durata atikrama karthubo tahale taku ame kahiba kon uniform speed ta mane mone karo 5 ta bale bahallo 5 ta 5 re se 2 km jaichi 5 ta 10 re 4 km 5 ta 15 re 6 किलोमीटर तमाने प्रत्येक 5 मिनिट रे से केते किलोमीटर कवर करछ 2 किलोमीटर प्रत्येक 5 मिनिट तमाने कोन मो टाइम बी सेम सेही टाइम रे से डिस्टेंस भी सेम जाउछ त सेही भलिया केस रे सेही भलिया स्पीड को आमे कहबा कोन यूनिफॉर्म स्पीड हला इन यूनिफॉर्म स्पीड एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जदी गोटे वस्तु समान समय रे समान दूरता अतिक्रम करथुबो ताकु आमे तले कहबा कोन यूनिफॉर्म स्पीड हला तो मन कर ए डायग्राम को बुझो देखो एटा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 हला ए टाइम टा तो मन कर ए गुटे सेकंड रे सो सेकंड गुटे सेकंड रे ये मन कर जाय छी 2 मीटर था 2 सेकंड रे मन कर आगे कते गला 4 मीटर 3 सेकंड रे कते गला मन कर 6 मीटर 4 सेकंड रे कते गला 8 मीटर त देखलो एटा जीरो तो प्रत्येक सेकेंड रे से केते मीटर जाउछ 2 मीटर जाउछ जीरो रु 1 रे केते 2 मीटर 2 1 रु 2 रे फुनी गला केते 2 मीटर तो टोटल केते होला 4 फुन 2 रु 3 रे केते गला 2 तो एटा फुन टोटल होला केते 6 तो प्रत्येक गोटे सेकेंड रे देखो से केते डिस्टेंस जाइछ 2 मीटर डिस्टेंस जाइछ त माने टाइम इंटरवल भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल भी सेम तो एटा को होला यूनिफॉर्म स्पीड बुझि पारछो तापर आसीबो वेरिएबल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड वाला वेरिएबल स्पीड कौन क्या इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी वेरिएबल और स्पीड इज सेड टू बी वेरिएबल तमने समान समय रे असमान दूरता डिफरेंट विभिन्न प्रकार अलग अलग दूरता आदि अतिक्रम करथुबो ताको कहा जियो वेरिएबल त माने एम देखो सहज जिन सब आराम से बुझ पारिबो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड माने कर 1 सेकंड रे जाई छी 2 मीटर किंतु 2 सेकंड रे गला 5 मीटर 3 सेकंड बेले को देखो जाई छी से माने कर 6 मीटर 4 सेकंड बड़े गला 9 मीटर देख ल कौन है जीरो रु स्टार्ट जीरो रु गोटे सेकंड भीतर केते गला 2 मीटर 1 सेकंड रु 2 सेकंड भीतर 2 मीटर रु 5 मीटर 3 मीटर गला 1 रु 2 माने एठी गोटे सेकंड रे जीरो रु 1 भीतर केते जाला 2 मीटर किंतु 1 रु 2 भीतर से 3 मीटर एक्स्ट्रा गला त 3 + 2 केते ला 5
ସେଇ ଟୁ ରୁ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟୁ ରୁ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଗଲା କେତେ ଫାଇଭ୍ ମିଟର ସିଗ୍ନାଲ ଗୋଟେ ମିଟର ଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମିଟର କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ରୁ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା କେତେ ଥ୍ରୀ ମିଟର ଟୁ ରୁ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା କେତେ ୱାନ୍ ମିଟର ଥ୍ରୀ ରୁ ଫୋର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା କେତେ ଥ୍ରୀ ମିଟର ଦେଖିଲ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା ଗୋଟେ ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା ଥ୍ରୀ ମିଟର ଥାର୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା ଗୋଟେ ମିଟର ଫୋର୍ଥ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା ଥ୍ରୀ ମିଟର ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କାରଣ ଆମର ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସବୁଠି ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ ନାହିଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଏ ଦ ବଡି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ସେ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟୁ ମିଟର ପୁଣି ସେଇ ୱାନ୍ ରୁ ଟୁରେ ସେଇ ଟୁ ମିଟର ଟୁ ରୁ ଥ୍ରୀରେ ସେଇ ଟୁ ମିଟର ଥ୍ରୀ ରୁ ଫୋର୍ରେ ଟୁ ମିଟର ତ ସବୁଯାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେତେ ସହଜ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ସମାନ ସମୟରେ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ଼୍ ସମାନ ସମୟରେ ଅସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଲା ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହାର ଆଇଟି ତୁମେ ବାହାର କର ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ ତା ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏରେ ଥିଲା ଏ ରୁ ଗଲା ବି ହେଲା ତ ଏ ରୁ ବି ଟୋଟାଲ ସିଏ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ଟୋଟାଲ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖୁଛି ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଏ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ବୁଝିପାରିଲ କି ହେଲା ତ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଏ ଦ ବଡି ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ତ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଏ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କ'ଣ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ ଏଇ କେସ୍ରେ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଜିରୋରୁ ଏଇ ଫୋର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଇଛି ନାଇନ୍ ମିଟର ଟୋଟାଲ ଜିରୋରୁ ନାଇନ୍ ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଫୋର୍ ସେକେଣ୍ଡ ତ ନାଇନ୍ ବାଏ ଫୋର୍ ଏତିକି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଲା କିଛି ଦେଖିବନି ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବାନି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବ କେତେ ମିଟର ଗଲା କେତେ ମିଟର ଗଲା ନଅ ମିଟର ହେଲା ଟୋଟାଲ ନଅ ମିଟର ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଚାରି ସେକେଣ୍ଡ ତ ନଅ ବାଏ ଚାରି ହେଲା ଆସିଗଲା କ'ଣ ତମର ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଏ ଦ ବଡି ଟୁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲା ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା ତାର ରେସିଓଟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଲା ଅର୍ ତାକୁ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖନ୍ତି ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ବାଏ ଡେଲ୍ ଟି ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ବାଏ ଡେଲ୍ ଟି ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ତମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ବା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ତମ ପୋଜିସନ୍ ଡେଲ୍ ଟି ହେଲା ତମ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲ କଭର୍ କଲ ତାପରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏକ ଦୁଇ ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର ଆଭରେଜଟା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତା ନାଁରେ ଜାଣିପାରୁଛ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ତା ମାନେ ମନେକର ତମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ ହେଲା ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିକି ଦେଖିଲ ତମେ ରହିକି ମାନେ ତମେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ନାହିଁ ସେ ଦେଖାଉଛି ସିକ୍ସଟି ତାମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ କେତେ ସିକ୍ସଟି କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଯାଉଛ ହଠାତ୍ ଜଷ୍ଟ
नखरा पाखे देख लम गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा 45 किलोमीटर पर आवर ताने से नखरा पाखे से ही पोजिशन आट दैट इनस्टाट तुम गाड़ी स्पीड के 45 किलोमीटर पर आवर तो सीटा कहते हैं इनस्टाटानियस स्पीड द स्पीड अफ आन अब्जेक्ट आट ए पर्टिकुला इनस्टाट और आट ए पर्टिकुला टाइम इज नोन आज इट्स इनस्टाटानियस स्पीड से ही मुहूर्त से ही समय गोटे निर्दिष्ट समय तुम स्पीड जी कहगला कौन इनस्टाटानियस स्पीड है बुझे तुम कहम तो कहन ये स्पीडोमीटर यूज कराए कि तुम तरह डेरिवेटिव कर गाड़ी जो स्पीडोमीटर न था देख स्पीडोमीटर था कंटा थी ये सेमती गारा है तो से गाड़ी चलने देख तुम स्पीडोमीटर जो रिडिंग दौर तुम इनस्टाटानियस स्पीड रिडिंग तुम देख जोर गाड़ी चलेब से देख कंटेन जो ब्रूट होती है से ही टाइम तुम स्पीड से स्लो करदेव सा कमी तो से ही टाइम तुम स्पीड से चले चल कोड़े जाऊ देख लगे जगह कोड़े तुम से ही टाइम स्पीड लगे कोड़े हटात मोटे चल जोर गाड़ी गला 5 मिनट पर देख लगे षाठी देखो तो मुहूर्त से ही समय तुम स्पीडा है कैसे 60 तो यहाँ है इनस्टाटानियस स्पीड द स्पीड अफ आन अब्जेक्ट आट ए पर्टिकुला इनस्टाट अफ टाइम और आट ए पर्टिकुला पॉइंट इज नोन आज इनस्टाटानियस स्पीड बुझीगला तो आपको एमती लिखती इनस्टाटानियस स्पीड स्पीड ये तुम पढ़ मैथमेटिक्स रे लिमिट डेल्टी टेन्स टू जीरो कहीं चेंज इन टाइम टाइम टेन्स टू जीरो कराला कहीं चेंज इन टाइम टाइम टेन्स टू जीरो कराला कारण तुम तुमको कह निर्दिष्ट समय तेरे से समय समय पर होना तेनाली डेल्टी टेन्स टू जीरो आम के आसाना डेलेक्स बाय डेल्टी इज इक्वाल टू डीएक्स बाय डीटी ये तुम फर्मूला आसगला कह रहा इनस्टाटानियस स्पीड तो ये यहाँ टी डाउट रही पारे पे तुम कारण तुम डेरिवेटिव विषय में किसी तुम आईडिया ना तो मुझे क्लास में डेरिवेटिव आउ इंटीग्रेशन विषय तुम बेसिक नॉलेज देवी देन तुम यह सब जिन कर तो डेलेक्स बाय डेल्टी आम आसाला आवरेज रु तो लिमिट डेल्टी टेन्स टू जीरो पकड़ मैंने टाइमटा चेंज हम ना तो मुझे पाली डीएक्स बाय डीटी कहते डेरिवेटिव फास्ट अर्डर डेरिवेटिव अफ डिस्टेंस इज नोन आज इनस्टाटानियस स्पीड तो पे आज क्लास तो आज क्लास में तुमको कौन कहली फास्ट डिस्टेंस कहली डिस्प्लेसमेंट कहली देन स्पीड पढ़ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ले यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज देन इंस्टेंटेनियस चार प्रकार स्पीड रहा विषय में पढ़ी नेक्स्ट क्लास में आम वेलोसिटी पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा आउ एक्सीलरेशन पढ़ा आउ मु चेष्टा करी किसी प्रोब्लेम तुम गोटे दिन एग्जांपल सॉल्व करके देखेबी तो तुम क्लीयर आईडिया हो केमी आम ये सब जाक जिनस बाहर करवाला बेले तो आज मैं ये नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ा है ओके थैंक यू।